न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक है। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। ये जो जमात इकट्ठी हुए हैं ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहां सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून खराबा हो रहा है, इस पर भी इन सबकी बोलती बंद है। कांग्रेस के, लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। राजस्थान में बेटियों से अत्याचार हो या परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हो, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। परिवर्तन की बातें करके जनता से विश्वासघात करने वाले जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है। इनका कट्टर भ्रष्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बंद हो जाता है जब देश की कोई एजेंसी इन पर कार्रवाई करती है तो उनका टैप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है, कुछ हुआ ही नहीं, सब साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। आप तमिलनाडु में देखिए, भ्रष्टाचार के घोटाले के अनेक मामले सामने आ रहे हैं।
लेकिन इनके कुनबे के सारे दलों ने पहले ही सबको क्लीन चिट दे दी है।